बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इया का नाम दो या का नस्ताइन असलामिकुरहमतुल्लाहिकातुनासरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। इस टाइम एक खबर वायरल है कि गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज 1 दिसंबर से बंद होने जा रही है, क्योंकि 35 मिलियन डॉलर की जो अदायगियां हैं वो अदा नहीं की गई, तो इस वजह से सर्विस बंद होने जा रही है। तो बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात उठ रहे हैं कि क्या हमारे मोबाइल फोन बंद होने जा रहे हैं, क्या हम ये जो गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐप जो हम प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल करते हैं, तो क्या अब वो तमाम तक चीजें बंद होने जा रही हैं। आगे चलकर आपके साथ खबर शेयर करता हूं कि असल हकाइक क्या है, असल खबर क्या है और क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, अगर बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की डरने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी खबरें फैल रही हैं ये खबरें हैं पेड सर्विस के मुतल्लिक। यानी कि आजकल आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल फोन में बैलेंस होता है, हम कोई भी एप्लीकेशन उसको खरीद लेते हैं बैलेंस के जरिए। तो ये सर्विस पाकिस्तान में चल रही थी, इजी पैसा के जरिए, जैज कैश के जरिए आप कोई भी एप्लीकेशन खरीद सकते थे, ऐसी एक्सेस दे दी थी इन कंपनीज ने। तो इस वजह से गूगल प्ले स्टोर को नुकसान हो रहा था, उन तक वो तमाम तक जो पेमेंट थी वो वहां पर नहीं पहुंच रही थी। जो लोग डेबिट कार्ड के जरिए ये पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट उनको उसी टाइम ही मौसूल हो जाती है। तो इस वजह से ये तमाम तक चीजें जो हैं वो उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, और जो मिड मैन था इस वजह से उनकी ये तमाम तक अदायगियां जो थी वो आप कह लें कि पेंडिंग में पड़ी हुई थी, तो इस वजह से ये तमाम तक मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। तो अब जो पेड सर्विसेज हैं, जितनी भी मोबाइल की पेड सर्विसेज हैं, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो आपको डायरेक्ट डेबिट कार्ड से, वीजा कार्ड से, या कोई भी अगर आपके पास कार्ड मौजूद है अगर वो प्ले स्टोर के साथ लगता है तो आप उससे वो एप्लीकेशन परचेज कर सकते हैं। ये न्यूज है पेड सर्विस की। बाकी जितनी भी फ्री एप्लीकेशनें हैं और गूगल प्ले स्टोर है वो उसी तरीके के साथ चलता रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई गूगल प्ले स्टोर, कोई YouTube, कोई कहीं भी नहीं जा रहा। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाएं, ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।